थोड़ी लंबी सांस लीजिए। डॉक्टर, डॉक्टर हुआ क्या है सोनिया को? आप बताइए ना, हुआ क्या? ठीक है ना ये? आप कुछ बोलती क्यों नहीं, बताइए ना आप मुझे। बेटा, डॉक्टर सोनिया को देख रही है ना, तो बात कैसे करेगी? घबराने की कोई बात नहीं। माँ, सुबह तक सोनिया बिल्कुल ठीक थी, अब अभी भी बिल्कुल ठीक है आपकी वाइफ, इसे कुछ नहीं हुआ है, शी इज ऑल राइट। थैंक गॉड, मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। लेकिन डॉक्टर, इस तरह से चक्कर आना, वॉमिटिंग आना, ये सब ठीक नहीं है, इट्स नॉट नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो ये ठीक नहीं है। मतलब देखिए, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ रहा, जो आप कह रही है क्लियरली कहिए प्लीज। अरे बुद्धू, अभी तक नहीं समझे, तुम पापा बनने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। आई थिंक तीसरा महीना चल रहा है। और वन मोर थिंग, पहले 4 महीने थोड़े से क्रूशियल होते हैं, तो प्लीज इनका ध्यान रखिएगा। ओके भैया, कंग्रेचुलेशंस। सिया, मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ भैया। सुना माँ आपने? सोनिया, सोनिया थैंक यू वेरी मच, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशी दी, थैंक्स अ लॉट। माँ, क्या ये तुम क्या कह रही हो सोनिया? आर यू श्योर कि तुम प्रेग्नेंट हो? कहीं कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? नहीं छोटी माँ, अभी भी गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उस दिन भगवान के सामने कितनी कॉन्फिडेंटली कह रही थी तुम कि आतिश को तुम कभी बाप नहीं बनने दोगी, तुम कभी माँ नहीं बनोगी, क्योंकि तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता छोटी माँ कि मैं ये मुसीबत में कैसे फंस गई। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं अपने इस नए रूप में ऐसे खो गई कि ना मुझे वक्त का और ना ही अपने आप का अंदाजा रहा। एक्टिंग करते करते तुमने इस नाटक को हकीकत में बदल दिया। तुम जानती हो ना सोनिया, आतिश को बच्चों से कितना लगाव है। जानती हूँ छोटी माँ, इस वक्त वो इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होगा और मैं सबसे बदनसीब। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सोनिया, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? लगता है गोवा की छुट्टियां मैंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ली। अपनी तरफ से तो मैं बहुत केयरफुल थी, फिर भी छोटी माँ पता नहीं। कितना अच्छा चल रहा था हमारा ड्रामा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, तुम्हारी ये गलती बहुत भारी पड़ सकती है हमें। अब क्या होगा छोटी माँ? I don't know, सोनिया, कुछ नए सिरे से सोचना होगा। कैसे हो भीमा? ठीक हूँ। साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रीति। सो आप, सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। दैट्स ओके, इट्स ऑल राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। आप क्या हुआ शर्मा जी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, आपका ये नया रूप देखकर मैं चौंक गया था सर। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? लग रहा हूँ ना बिल्कुल कॉर्पोरेट का हेड। आपका मतलब कॉर्पोरेट हेड? मेरा कहने का मतलब वही था। ये बताइए, ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आप अंग्रेजी फिल्मों के एक्टरों की तरह हैंडसम लग रहा है सर, वो बिल्कुल एंटोनियो बैंडरास की तरह। ये कौन है? रियल सर, आप बिल्कुल एंटोनियो बैंडरास की तरह लग रहे हैं। हाँ सर, उसकी फिल्में बाहर बड़ी हिट होती है। एंटोनियो बैंडरास? हाँ, एंटोनियो बैंडरास बिल्कुल। एक काम करो, हाँ?
फाइल कैबिन में ले आओ। ठीक है सर। ऑफिस से बोल रहे हो? हाँ नंदिनी। क्या बात है, बहुत याद आ लिया आज आप तो मेली कि ऑफिस पहुंचते ही मुझे फोन कर लिया। नंदिनी तुम्हारी तो हमेशा से याद आती है। पता है आज ऑफिस में एक मजे की बात क्या हुई? वो मेरा अकाउंटेंट है ना मिश्रा, हाँ। पता है वो क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं इस नए हेयर स्टाइल में कमाल लग रहा हूँ। कमाल? पता नहीं किसी हॉलीवुड एक्टर का नाम ले रहा था। क्या तो नाम कहा उसने, बेंद्रे बांद्रे ऐसा ही कुछ था यार। वो तो आप तो लजना ही था, आप तो मिली बात ही नहीं मान लेते। अब तो आप तो पता चल गया आपकी मिली चॉइस इतनी अच्छी है। मान गए नंदिनी तुम्हारी चॉइस को। पता है ऑफिस में मुझे कोई पहचान ही नहीं पा रहा था, सब लोग तारीफ के पुल बांधे जा रहे थे, बस कह रहे थे कि ये नया स्टाइल बिल्कुल मुझ पर जच रहा है। अब तो सब आपकी तालीफ ही तालेंगे। अब देखना हम दोनों सोशल सर्कल में कैसे छा जाएंगे। आप वहाँ ऑफिस में छाए हुए हो और मैं यहाँ। आप तो पता है मैं भी प्रिटी वुमन जैसी लग ली हूँ। वो निधिता जी पता है क्या कहली थी कि मैं उस हीरोइन जैसी लग ली हूँ। क्या नाम है उसका? हाँ जूली रॉबर्ट। अब लग लेना हम हस्बैंड और वाइफ हाई क्लास सोसाइटी थे। अब देखना लोदोती आती तैसे थल जाएंगी जब वो हमें इतना फैशनेबल और मॉडर्न देते हैं। बिल्कुल सही कहा नंदिनी तुमने, हमें इस चेंज की बहुत जरूरत थी। अब देखना लोग हमें देखते ही रह जाएंगे। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब आधे आधे दे तो होता है त्या। लीजिए बेटा हम लड्डू खाइए। अरे भीमा ये लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? साहब के घर में नया मेहमान आ रहा है। क्या? हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। देखो भीमा मैं इस ऑफिस में बहुत साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज एक अरसे के बाद इतनी बड़ी अच्छी खबर सुनने को मिली। वो तो है। एक और ले रहा हूँ। हाँ शर्माजी श्योर लीजिए भाई, आप ही लीजिए। मैडम लीजिए। अरे गुप्ता जी काम छोड़िए लड्डू खाइए। रियली रियली आज हम सब बहुत खुश हैं। ये वाकई बड़ी खुशी की खबर है। सच बात है। देखो मिठाई से काम चलने वाला नहीं है, फिर एक बड़ी पार्टी चाहिए। क्यों समाजी बड़ी पार्टी चाहिए? अरे वो तो साहब देंगे ही, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए। आतिश बेटा। प्रभाकर अंकल बहुत बहुत मुबारक हो बेटे, मैंने सुना है कि तुम बाप बनने वाले हो। सुनिया बेटी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना बेटे। जी अंकल, अगर मैं आपका बेटा होता क्या इसी तरह आप मुझे मुबारकबाद देते? अरे क्या कर रहे हो बेटा? बेटा आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। गॉड ब्लेस यू बेटे। थैंक यू अंकल। अंकल मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं पिछले कई दिनों में मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। I'm really sorry. डैड के जाने के बाद अगर हमारा बिजनेस आगे बढ़ा है, अगर हमने प्रोग्रेस की है तो सिर्फ आपकी वजह से। काश आज नाथ साहब ये दिन देखने के लिए जिंदा होते, कितने खुश होते। सुखी रहो बेटे।
क्या नाम बता रहा था उस फिरंगी एक्टर का? बांद्रा बेंद्रा? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो, हाँ मिश्रा, मैं बोल रहा हूँ। यश। यस सर। वो तुम उस एक्टर का क्या नाम बता रहे थे? एंटोनियो बैंड्रोस। क्यों, क्या हुआ सर? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाँ, एंटोनियो बांदेरास। एंटोनियो बांदेरास, एंटोनियो। यश, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जिन पे तुम्हारे साइन चाहिए थे, इसलिए खुद लेकर आया हूँ। ये आपके बालों को क्या हो गया? वो एक्चुअली अंकल, मैं पुराने स्टाइल से बोर हो चुका था तो सोचा इन्हें कलर करवा लूं, तो वैसे ये आजकल का नया स्टाइल है अंकल। हाँ, लेकिन स्टाइल तो वही अपनाना चाहिए ना जो अच्छा लगे, सूट करे। आप फाइल आए थे ना दस्तखत के लिए? और भी कोई काम हो तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे जल्दी कहीं निकलना है। अभी तो लंच ओवर भी नहीं, और आप जाने की बात कर रहे हैं, और फिर शाम को 4 बजे स्टाफ के साथ मीटिंग भी है ना? मीटिंग मेरे बगैर भी हो सकती है, मुझे किसी पार्टी में जाना है। पार्टी में? दिन को? आपको पता नहीं है, शायद बड़े लोगों की पार्टी दिन में ही स्टार्ट होती है और दिन में ही नेक्स्ट डे खत्म होती है, और फिर हम जैसे रईस लोग किसी भी वक्त कभी भी कोई भी पार्टी में जा सकते हैं। हाँ हाँ, जहाँ तक मैं आपके खानदान को जानता हूँ, वहाँ ना तो दिन को पार्टी होती और ना ही रात को। अंकल, आप शायद मुझे ताना देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं छोटे शहर का हूं। नहीं, मैं तो सिर्फ जाने की। बस अंकल, मैं सब जानता हूं, आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं ना, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, और ना ही आपका हर चीज में टोकना। तो एक बात मेरी भी सुनो मिस्टर यश प्रधान, मैं आपके खानदान की बहुत इज्जत करता हूं, मुझे लगा था कि प्रधान साहब के संस्कार उनकी औलाद में गए हैं, जब से उन्होंने आतिश को सुधारा तब से तो मैं उनकी और भी इज्जत करने लगा था, लेकिन शायद अब मुझे अपनी राय बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हर दशरथ के यहां राम पैदा नहीं होता। अजमेरा, मोहन, माया, सब इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी माँ जी। ये दोनों कहाँ हैं? वो लोग तो बाजार गए। अच्छा, बहू के लिए पिनिया तैयार हो गई? हाँ, बस बना ही रही थी। क्या क्या कर रहे थे तुम लोग? अभी तक पिनिया तैयार नहीं हुई। देखो, अभी के अभी सारी पिनिया तैयार हो जानी चाहिए। जी माँ जी। अच्छा सुन, उसमें ढेर सारे सूखे मेवे भी डाल देना। जी माँ जी। अच्छा, सीरा तो तैयार हो गया होगा ना? हाँ, बस लगभग तैयार है। लगभग तैयार है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कर क्या रहे हो। डॉक्टर ने खास कहा था बहू का ख्याल रखने के लिए। जी, वो किचन में भी तो काफी काम था ना माँ जी। और काम को मार गोली, पहले बहू का काम कर, कितना कम समय बचा है। जी, अभी पूरे 6 महीने बाकी है माँ जी। नहीं माया, ये सब चीजें शुरू से देनी चाहिए। अच्छा सुन, बहू की चाय सुबह बिल्कुल बंद, दूध और बादाम देना उसे। जी माँ। माँ, थैंक यू वेरी मच। चल पागल, इसमें थैंक यू की क्या बात। माँ, अगर अगर हमारी माँ होती ना, तो वो भी सोनिया का ऐसे ही ख्याल रखती हैं जैसे आप रख रही हैं। मैं तेरी माँ नहीं हूँ क्या? बिल्कुल है, मेरी माँ और मेरे होने वाले बच्चे की दादी। जीते रहो। थैंक यू वेरी मच। ये क्या हो रहा है? जिस बात को सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहती थी वही हो रही है। ये बच्चा कहाँ से आ गया? सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं इतनी केयरलेस कैसे हो गई? इतनी केयरलेस कि अपने ही बनाए खेल को खुद ही बिगाड़ डाला। बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं अब क्या होगा। सोनिया, ए, क्या कर रहे हो तुम? बैठो बैठो यार। हाँ? मना किया था ना तुम्हें वॉक करने को, आराम करो तुम। आई एम फाइन आतिश, डोंट वरी।
तुम्हें इसी तरह से कंप्लीटली फाइन रहना है। अपने इस बच्चे की खातिर बहुत ख्याल रखना है तुम्हें। मैंने सारे नौकरों से कह दिया है, हर 2 घंटे पे फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस। अब तुम खाओ और आराम करो। मैं तुम्हें अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं। अगले 6 महीने के लिए आई एम एट योर सर्विस। सोनिया, तुम नहीं जानती, तुमने बहुत बहुत बड़ी खुशी दी है मुझे। दुनिया की सबसे प्रेशियस गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। रियली नंदनी, तुमने एक बात गौर की, आज हम लोग कितने खुश हैं। हाँ यश, हमारी जोली इतनी अच्छी है, वो क्या देते उसे? हाँ, मेड फॉर ईच अदर। इसी बात में किस कर लूँ? जीता कर लियो, किसी ने देख लिया तो। नंदनी, यू आर माय वाइफ, अब मुझे तुम्हें प्यार करने का भी अधिकार नहीं। अच्छा बाबा। अच्छा यश, एक बात बता, किसी ने तुम्हें ये स्टाइल में नहीं देखा? कहाँ से देख लेते नंदनी? क्यों? कलर करा के मैं सीधा ऑफिस चला गया और ऑफिस से टोपी लगाकर घर आ गया। और तुम जानती हो, अगर वो देख भी लेते तो कितनी चह चह करते हैं, जो मुझे पसंद नहीं। मुझे भी तो पसंद है, इसलिए मैं तो कमरे से बाहर निकली ही नहीं। अगर माया पापा ने देख लिया तो तुम्हें पता है ना, हो जाता भाषण छलू। लेकिन यश, मुझे इन तपलों में बाहर जाने का बहुत मन चल रहा है। क्या फायदा, मैं इतनी अच्छी लग ली हूँ लेकिन बाहर नहीं जा सकती। नंदिनी, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन तुम जानती हो मेरे पेरेंट्स क्या है वो? नैरो माइंडेड। इसके छोड़ो, आजकल तो सत्संग भी जाना शुरू कर दिया है, प्रवचन करना शुरू कर दिया है, इसलिए उन्हें जाने दो। डोंट बॉदर योरसेल्फ। डू यू नो समथिंग, आज ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रभाकर आया था मुझे लेक्चर देने। क्यों, क्या देने थे वो? मेरा बाप बनना चाहता था वो। नंदिनी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रभाकर से चौकन्ना रहना चाहिए। बेटा, मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि इस कंपनी को तुमसे चौकन्ना रहना चाहिए।